वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन दूसरा पार्ट जो है वो चूज़ प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेज़ॉन। ये हमारा आज का टॉपिक है कि अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह प्रोडक्ट्स चूज़ करनी है जिसको हमने फ़ाइनल आके जाके फ़ाइनल करना है और फिर आगे शॉर्ट लिस्ट करके जनाब उसकी मज़ीद रिसर्च करनी है और दैन जाके हम उसको अपने फ़ाइनल करेंगे कि हमने इसको सेल करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो जनाब मेरा ये शहजाद खान के नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। सारे लेक्चर यहाँ पे हम अपलोड करते रहेंगे। देन हम अपने टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं, चूज़ प्रोडक्ट्स टू सेल ऑन अमेज़ॉन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखें, लास्ट टाइम हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन ये था कि इसको दोबारा फाइनलाइज करके इसको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको दोबारा थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। देन हम इसके बाद मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारा amazon.com का ये हमारा ये जनरल से पेज है, इसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये देखें मुख्तलिफ यहाँ पे बेस्ट सेलर्स आ जाएंगे, न्यू रिलीज़ मूवीज़ मुख्तलिफ आइटम्स आ जाएंगे यहाँ पे ना, मतलब कि आल कैटेगरी सब कैटेगरी आपको यहाँ पे मिलेगी amazon के मेन पेज के ऊपर। अगर यहाँ से नहीं, अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगी कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर जाना चाहेंगे, कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना चाहेंगे और मुख्तलिफ आइटम्स, मतलब कि अगर आप यहाँ पर डिस्कस करना चाहें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। देन हम इसको जनरली अभी थोड़ा सा मूव ऑन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखें यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज आ रही हैं। ये देखें शूज़ रिलेटेड, लॉन्ग ओवर, होम रिपेयर नीड, तो उनमें से कोई भी एक भी प्रोडक्ट उठा लेंगे। ये देखें ये ग्रेड टू स्कूल के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं बच्चों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, किड्स फैशन वगैरह, तो हम अभी थोड़ा सा कोई चीज़ चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई चीज़ देख लेते हैं ताकि जिसको हम आगे मूव ऑन करें और मुख्तलिफ उसका एनालाइज वगैरह करें तो हम समझ आ जाए। तो हम इसमें ये देखें हम इसको चलें इसको थोड़ा सा और नीचे लेके जाते हैं, कोई और प्रोडक्ट्स में भी हमें नज़र आ जाए जिसका हम एनालाइज करना चाह रहे हूँ। ये फैशन फैशन से रिलेटेड है, ये बुक्स आ गई K-12 साइंस प्रिंटेबल बुक्स आ गई। उसके अलावा ये मतलब कि ये डाइनिंग आइटम्स में आ रही हैं। उसके अलावा ये हमारी कॉलेज लिस्ट आ रही है। देन हम चलो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देख लेते हैं, कोई एक बोर्ड देख लेते हैं हम, कीबोर्ड अच्छा ST K360 वाइड गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड है जनाब। इसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि जनाब इसकी लिस्टिंग कैसे बनाई हुई है। और अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा एक चीज़ इसके अंदर मैं बता दूं आपको, ये देखें यूज प्रोडक्ट्स भी यहाँ सेल हो रही हैं जनाब। ये $16 से स्टार्ट है इनका, ठीक है। इनमें से बाई बॉक्स कौन लेके जा रहा है वो बाद में बाई बॉक्स के जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे बाई बॉक्स होता क्या है। बाई बॉक्स होता ये है कि जनाब यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं तो बाई बॉक्स वही लेके जाएगा जो मतलब कि तीन चार प्रेफरेंसेस होती हैं, जैसे सिंपली आपके पास आपका बजट देखेंगे, आपके प्राइस कितनी दे रहे हैं आप, प्राइस एक्सेप्टेबल है, सबसे मिनिमम प्राइस दे रहे हैं आप। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो ये जनाब हमारा आ गया कि इसके अंदर कितने कितने ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारी क्या स्पेस बन सकती है। जो मेन चीज़ें आपने नोट करनी है इसके अंदर वो चीज़ें आपने ये देखनी है कि इसके रेटिंग्स कितनी हैं। देन हम ये देखना है कि इसके मतलब रिव्यूज़ कितने हैं, इसकी रेटिंग मतलब क्या आ रही है, 4.3 आ रही है आउट ऑफ 5, उसकी 462 रेटिंग्स हैं और इसके रिव्यूज़ रेटिंग्स और इसकी लिस्टिंग हमने देखनी है। अच्छा ये कीबोर्ड डिस्क्रिप्शन मल्टी मीडिया वर्ड, अच्छा ये इसकी लिस्टिंग आ गई है, इसके जनाब जो सेलिंग वेज हैं तो अपनी लिस्टिंग के ऊपर भी सेल कर रहे हैं इसको ये लोग, और जो यूज़ प्रोडक्ट्स वगैरह तो वो भी नीचे आ रही हैं जनाब। इसकी प्राइस भी थोड़ी सी देखने की ज़रूरत है, $19। अच्छा अब इन देन जो नीचे हम आएंगे उसकी डिटेल में आएंगे कि इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें क्या चीज़ें दी गई हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ये बताया गया है कि जनाब मेन जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि इसका BSR क्या है। वीडियो गेम्स के अंदर 419 है और PC गेमिंग कीबोर्ड्स के अंदर 18 है इसका।
अच्छा, तो देन हम इसको थोड़ा सा ओवर एनालाइज करने के लिए, अगर आप नीचे जाना चाहें, इसकी वीडियोस देखना चाहें, रिव्यूज़ देखना चाहें, तो वो आपको नीचे मिल जाएंगे कौन से कस्टमर ने लिया और क्या रिव्यूज़ दिए हैं इसके। ठीक है, इसकी 4.3 out of 5 रेटिंग्स हैं। देन हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो कंपटीटर हैं, मतलब टॉप 100 जो हैं, वो देख लेते हैं। रेटिंग्स तो बहुत कम है इसकी, 462 ओवरऑल रेटिंग्स हैं इसकी। अच्छा, ये गेमिंग की बात करें तो ये हमारे पास मुख्तलिफ आइटम्स आ रही हैं गेमिंग के अंदर। अगर आप इस कैटेगरी से मुतमाइन हैं तो आप इसको देखेंगे, अदरवाइज किसी और कैटेगरी में चल जाएंगे, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं हम इसको थोड़ा सा, इसकी एक और प्रोडक्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। ये प्राइस इसकी बहुत हाई है, हम इसको जनरली आप सेल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो $160 ही रहे हैं आप। चलें इसको थोड़ा सा हम किसी और कैटेगरी में ले जाते हैं इसको, यह कैटेगरी हमें सूट नहीं कर रही तो हम किसी और कैटेगरी में चले जाते हैं। तो वैसे जनरली अगर आप इसको, आपने इसका नोट तो कर लिया है, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लिया है, इसका क्या सीन है, इसकी क्या रेटिंग्स हैं, इसके अंदर हम भेज सकते हैं इसको थोड़ा सा और एनालाइज करने के लिए, आप इसका लिंक कॉपी करके अपने पास रख लें। ठीक है, ये ताकि कल को आपको आसानी हो। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो अगर आप वहाँ से एनालाइज कर रहे हैं जो चीज़ें, हम उसके साथ साथ कॉपी करके ना यहाँ पेस्ट करते जाएं। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया इसका लिंक, तो देन हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ताकि दोबारा इसको अगर इनको हम एनालाइज करना चाहें तो हमारे पास डाटा सेव हो। अच्छा, तो हम इसको थोड़ा सा और किसी और कैटेगरी में लेके चलते हैं इसको। ये हमने गेमिंग कैटेगरी खोल ली थी। ठीक है, हम दोबारा amazon.com के मेन पेज पे आ गए हैं। अच्छा, तो एक मिनट। अच्छा, तो हम किसी और कैटेगरी में जा कर देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें ये क्या है हमारे पास, ये देखें ये इसमें इस कैटेगरी में आकर देख लेते हैं हम। डाइनिंग एंड एसेंशियल्स के अंदर हमें कुछ मिल जाता है कि नहीं। अच्छा, अमेज़ॉन बेसिक नॉन स्टिक कुकवेयर, यहाँ पे आएंगे जनाब, ये देखें ये मुख्तलिफ उसने मतलब वेरिएशन दी हुई हैं, मुख्तलिफ पिक्स हैं हमारे पास, ऑप्शन हैं। और जो उसकी प्राइस $55 से स्टार्ट है और फ्री रिटर्न की पॉलिसी भी दे रहा है। ठीक है, देन ये इसकी लिस्टिंग्स होगी, आपने लिस्टिंग्स भी देखनी है और उसके ये भी देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स उसने यूज़ किए हैं। अमेज़ॉन बेसिक नॉन स्टिक कुकवेयर, ये अमेज़ॉन ख़ुद इसको बेच रहा है, इसमें इसमें अमेज़ॉन डोमिनेंसी है, तो इस कैटेगरी के अंदर अब ना ही जाएँ जिसके अंदर अमेज़ॉन ख़ुद बैठा हुआ जनाब सेल करने के लिए। आप इसके अंदर थोड़ा BSR देख लेते हैं। ये BBC कॉन्टेंट है, ब्रांडिंग कॉन्टेंट है इसका, मतलब ब्रांड रजिस्टर्ड है, अमेज़ॉन ख़ुद सेल कर रहा है इसका। देखें इसका BSR भी देख लेते हैं। ये देखें किचन एंड डाइनिंग के अंदर 191 है और किचन कुकवेयर के अंदर नंबर 1 पे आ रहा है। इट्स मीन कि ये अमेज़ॉन का ख़ुद का ब्रांड है जनाब। अच्छा, हम थोड़ा सा थोड़ा आपको बता दूँ कि आप किचन एंड डाइनिंग के अंदर आप दोबारा चले जाएँ कि टॉप 100 कौन कौन से बैठे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास मुख्तलिफ आ गई हैं, ये बॉटल्स हैं और मुख्तलिफ किड्स की चीज़ें हैं, बॉक्सेस आ रहे हैं ये। ठीक है, ये सारी अमेज़ॉन के अंदर आ रही हैं। तो जब हम इसको देख लेते हैं, चले हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और ये किचन के अंदर 842 रैंक के अंदर आ गए हम। हमने ये देख लिया कि नाइस अच्छी प्राइस के अंदर हमें एक लंच बॉक्स मिल गया। ठीक है, 15 लीटर इसका स्पेस है। ठीक है, इसके अंदर इसको चलो थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। और भी जनाब इसको सेलर बेचने वाले बैठे हुए हैं न्यू या। ये देखें जनाब, ये देख लें जनाब, ये
$19 के सेल कर रहा है, ये $19, ये $25, और ये भी $29 के सेल कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट्स मतलब कि कैसी है, 42 रैंक पे अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, ये इसका बाकी चीज़ें देख लेते हैं। इसका वेट भी कम है, लाइट लाइफ फिट है, मैन्युफैक्चरर इसका ब्रांड है ये एसन। इसका ये इंडिविजुअल कोड हो गया, ये 19,000 रेटिंग है, 4.7 नंबर, 8 रियूजेबल लंच बैग्स और 44 इन किचन एंड डाइनिंग के अंदर। अच्छा, एक और वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाके ना किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी 44 इसका रहेंगे, FBA टूल किट के नाम से ये है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये FBA टूल किट .com है, अगर आएंगे हम किचन एंड डाइनिंग, ये किचन एंड डाइनिंग के अंदर अगर हम आप देखना चाहें इसकी क्या सेल्स हैं, 44 हमारा जो है वो हमारा रहेंगे। उसकी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी कि जो हमारी लास्ट डे 58 सेल हुई है और जो एवरेज लास्ट 30 मंथ की आ रही है 83, इसमें इनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, रैंकिंग भी उसकी बहुत अच्छी है, 44 है आपके सामने। तो ये एक प्रोडक्ट है, मतलब कि एक कंपेटेबल प्रोडक्ट हमें पहली मिल गई है, पहली तो कीबोर्ड थी लेकिन एक ये एक अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा, इसके लिंक को कॉपी करके ना हम अपने एक्सेल शीट के ऊपर आगे पेस्ट कर देंगे, अगर आप गूगल डॉक्यूमेंट्स करना चाहें यूज़ तो वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें एक मिनट और चेक, इसको थोड़ा सा इसको कॉपी किया, देन एक्सेल शीट के अंदर आ गया, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ गए हमारी आज की, ये हमारी 5-7 मिनट्स की जो फाइंडिंग्स हैं। देन हम इसको मूव ऑन करेंगे कि इसके और जो कंपटीटर हैं हम सिमिलर प्रोडक्ट्स उनको भी देख लेते हैं। ये देखें जनाब, ये इनके कंप्यूटर बैठे हुए हैं, $16, $22, $14, ये सारे ये रीयूजेबल प्रोडक्ट्स हैं जनाब। ये देखें, ये मतलब रिव्यूज़ ही हैं परचेज़ करने वालों ने, इसकी रेटिंग्स हैं। तो देन इसके सिमिलर प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, इसी इसी की लाइन के अंदर हम कुछ और प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं कि जनाब क्या है। ये देखें, वो लंच बॉक्स हमारे पास आया हुआ है, इसकी प्राइस है ये भी $19 का है। इसकी रेटिंग ये देखें जनाब, सिर्फ वन ओनली 182 रेटिंग्स हैं इसकी, ओनली 182 रेटिंग्स हैं। और ये इसकी अमेजोन चॉइस इट्समैन के, एक मिनट इसका देख लेते हैं, इसका सेलर कौन सा, ब्रांड क्या है। ठीक है, ये इसका एसिन है, ये 182 रेटिंग के साथ अच्छा रहेंगे। रीयूजेबल बैग के अंदर 96 और किचन एंड डाइनिंग के अंदर 1787, इट्स मीन के एक ओनली 182 रेटिंग, बहुत ही कम रेटिंग्स के साथ ये एक अच्छी सेल कर रहा है और अच्छे रैंक इसके साथ। अगर इसके थोड़ा ये इसका रिव्यू कर लेते हैं, किचन डाइनिंग के अंदर 1787, हम दोबारा इसको आके यहाँ देख लेते हैं, 1787। एक मिनट इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लें। अच्छा, हम इसको ये चेक कर रहे थे, इसका एक मिनट हम देख लेते हैं क्या इशू हो रहा है, नेट का इशू हो रहा है, इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये 1787 का हम देख रहे थे कि जनाब, अच्छा ये हमारे पास 1787 रैंक 50A 53, बहुत अच्छी सेल्स हैं, मतलब 50+ पर डे सेल्स हैं एवरेज भी और लास्ट डे की भी। इसमें कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसके अंदर बैग्स के अंदर हमारा एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ओनली 182 रेटिंग के साथ एक अच्छा मतलब कि अच्छी सेल कर रहा है ये बंदा, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमने देखनी है ना, ये चीज़ भी लाजमी देखनी है कि हमारी अगर हम इस कैटेगरी के अंदर जाएँ और इसको सेल करने के बारे में सोचें
तो क्या हमारी यहाँ पे स्पेस बन सकती है कि नहीं, सेल्स वेलोसिटी और आपकी रिव्यूज़, आपकी रेटिंग्स, आपका रैंक, और आप फर्स्ट पेज पे बैठे हुए हैं, सेकंड पेज पे बैठे हुए हैं, ये सारा कुछ मैटर करता है आपके लिए। तो हमने ये स्पेस भी देखनी होती है कि मतलब कितनी कम रेटिंग के साथ अगर हम इस कैटेगरी के अंदर आना चाहें, ओनली 182 रैंकिंग करेंगे हम स्टार्ट में, अपना PPC चलाएं और अच्छा रेटिंग्स ले लें, कुछ अच्छे रिव्यूज़ ले लें, तो हम इजीली हम अच्छी कैटेगरी के अंदर हम आ सकते हैं। तो ये तो होगी किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी। और भी ये देखें, $17, $19 की बहुत अच्छी अच्छी मतलब लगी हुई हैं, तो ये चीज़ें होगी। देन हम कोई और के कैटेगरी के अंदर जाके देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा होम एंड किचन को थोड़ा सा मिनिमाइज करके। अच्छा, हम अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर थोड़ा चल के देखते हैं कि वहाँ क्या चल, उस कैटेगरी के अंदर की भी आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। अच्छा ये देखें, ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पेज है। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा नीच, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, नीच चीज़ को कहते हैं फर्स्ट। अगर हम मोबाइल की कैटेगरी के अंदर जाते हैं ना, तो या मतलब कि किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर जाते हैं, तो ये मोबाइल की कैटेगरी के अंदर फॉर एग्जांपल, तो ये मोबाइल की जो बेसिक एक्सेसरीज़ हैं जैसे हैंड फ्री हो गए, एयरबड्स हो गए, तो उनकी जो मेन मेन प्रोडक्ट्स होती हैं उसको हम नीच कहते हैं, नीच कहते हैं, नीच प्रोडक्ट, ठीक है, नीच लिस्टिंग, ठीक है। तो अच्छा थोड़ा सा हम चलते हैं किस कैटेगरी के अंदर जाते हैं। अच्छा एक मिनट, एक्सेसरीज एंड हेडफोन्स के अंदर देख लें, ऑफिस सप्लायर्स, चलो ये देख लेते हैं। देखें यहाँ पे आपको कैटेगरी के अंदर और सब कैटेगरीज मिलेंगी। ये देखें, लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था शार्पी के बारे में, शार्पी मार्कर जो है बहुत अच्छा मतलब सेल होती है इसके, ऑफिस के लिहाज से अच्छा ब्रांड है, थोड़ा सा बेस्ट सेलर। अच्छा तो इसी को देख लेते हैं, इसको दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा हाई लेटर्स हैं ये, ठीक है, मार्कर्स भी हैं, हाई लेटर्स भी हैं, शार्पी एक मुकम्मल कंप्लीट ब्रांड है। तो ये देखें, इसको बेचने वाले 58 लोग और बैठे हुए हैं सेल करने वाले, फ्री शिपिंग दे रहे हैं जनाब। तो ये जो चीज़ें हैं कि मुख्तलिफ हम जो साथ कंपेयर करते हैं ना, कि और भी जो मिस्टो मीटू करके बैठे हुए हैं इनके, कि प्रोडक्ट को कैसे ज़्यादा सेलर भेज रहे हैं कि लिस्टिंग के ऊपर, तो उनके साथ देखते हैं कि ये देखने वाली चीज़ें हैं कि कौन सी प्रोडक्ट। हम तो जो एक लिस्टिंग के ऊपर देख रहे हैं वहाँ तो उसने $5 की दी हुई है, लेकिन जो साथ इसके साथ चिपके हुए हैं मीटू करके लिस्टिंग के साथ, वो तो देखें वो कितनी प्राइस के अंदर भेज रहे हैं मिनिमम, ये भी देखना होता है। तो कल को अगर आप किसी की लिस्टिंग के साथ या कंप्यूटर के साथ जाएंगे, तो ये आपकी कंपटीटर प्राइसेस लाजमी देखनी होती हैं आपने, कि ये देखें $10 का भी बेचने वाले यहाँ बैठे हैं फ्री डिलीवरी के साथ, ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि कल अगर हम बेचना चाहें तो कितनी उसकी एवरेज प्राइस के साथ बेच सकेंगे। ये देखें, ये जो हमने ओपन किया हुआ था ये $5 वाला था, लेकिन ये नीचे $6 में भी बेच रहे हैं। ये सारी चीज़ें नोट करने वाली होती हैं कि प्राइसेस क्या चल रही हैं इस प्रोडक्ट की, ठीक है। ये इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं, मार्कर्स वगैरह हैं, ये और भी बहुत सारी हैं, इसको चलें छोड़ देते हैं अभी। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ना कोई और एक चीज़ कर लेते हैं, एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, GPS ट्रैकर, ये क्या चीज़ है, ऐसे मैंने कहा चलो इग्नोर कर लेते हैं। ये देखें, ये जनाब BC GPS ट्रैकर, रैंडमली कोई चीज़ मेरे माइंड में आ गई, मैंने कहा GPS ट्रैकर चलो मार्कर वगैरह भी देख लिया, मैं थोड़ा सा एक और भी चीज़ देख लें। अच्छा ये हो गया जनाब, ये हमारे पास GPS ट्रैकर, ठीक है, किसी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें,
ये वॉश डिस्काउंट पे $18 के लगा हुआ है, और आप इसकी लिस्टिंग नोट करें और इसका कीवर्ड के साथ हमने सिर्फ GPS ट्रैकर किया तो ये आ गया जनाब स्टॉप के अंदर। ठीक है, जो जो हम आपको बता रहे थे BSR, BSR का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, जितना आपकी BSR की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा आपका, ये देखें नंबर वन पे बैठा हुआ GPS ट्रैकर और 71 इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उसको थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि जनाब ये नंबर वन के अंदर जो बैठा हुआ है इसकी डेली की सेल्स क्या हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स किधर है, इलेक्ट्रॉनिक्स ये देखें, ये जनाब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या रैंक था इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 71 और GPS ट्रैकर के अंदर नंबर वन। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सर्च करते हैं 71, हम इसको सर्च करके देखते हैं कि जनाब ये क्या सेल कर रहा है। ठीक है, इसकी 83 की एवरेज आ रही है पर डे की, और लास्ट डे जो उसने सेल किए हैं 15 की हैं, अगर बहुत अच्छा है जनाब। तो ये हो गया हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी के अंदर एक और सब कैटेगरी GPS ट्रैकर। अच्छा, इसके अंदर हम इसके साथ और भी मतलब कंपिटेटिव प्रोडक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे, और भी जो GPS ट्रैकर भेज रहे हैं वो क्या किन प्राइस में भेज रहे हैं, और ये ब्रांड है तो मेरे ख्याल में इसके साथ कोई नहीं मीटू करके बेच रहा है इसको, अपनी अपनी लिस्टिंग पे सेल कर रहे हैं जो भी सेल कर रहे हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ ट्रैकर लगे हुए हैं, ये $18 का है, ये ट्रैकी ब्रांड है, और ये अमेज़ॉन का अपना ब्रांड है, ये अमेज़ॉन ख़ुद सेल कर रहा है $29 का। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें भी देखनी थी, ये देखें अमेज़ॉन ख़ुद सेल कर रहा है ये भी, इसकी रेटिंग 20,000 रेटिंग और 9,000 रेटिंग और 862 रेटिंग, इट्स मीन के 20,000, 9,000, 800 और 400, इतना डिफरेंस है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फैक्टर ये भी देखना है कि एक ही अमेज़ॉन डोमिनेंसी भी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक कंप्यूटर जो टॉप पे बैठा हुआ है अमेज़ॉन नहीं है, टॉप 3-4 के अंदर आया अगर अमेज़ॉन होता तो फिर हम इसको करते हैं, इट्स मीन के ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, और ब्रांड यहाँ के आगे भेज रहे हैं यहाँ, इसको भी आप मतलब कि सेल करना चाहें कर सकते हैं इजीली, आप उसके साथ स्पॉन्सर्ड ऐड के साथ जाएं और अच्छी रेटिंग्स और रिव्यूज़ हासिल कर लें, और आप टॉप 2, 3, 4 के अंदर इजीली आ सकते हैं आप, इसमें अगर आ सकते हैं तो फिर हम इसका क्यों नहीं है, इसका अपने इसको अंडर कंस्ट्रक्शन लेके आए, इसको भी कंसिडर करने करें अपनी लिस्टिंग के अंदर, इसको जब हम चूज़ करने जाएँगे तो देन हम यहाँ इसको भी पेस्ट करके इसका लिंक अपने पास सेव कर लें, देन हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं। इस तरह ये आपके प्रोडक्ट रिसर्च का तरीका है, मैं सिर्फ आपको वे बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें देखनी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रैंक्स की जनाब, हमने GPS ट्रैकर लिखा सर्च किया यहाँ पे, तो ये इसकी ये इसका सब टाइटल आ गया। ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको रेटिंग्स मिल जाएंगी, ये कौन सी कम, ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर, ये इसकी रेटिंग्स हैं 4.2 आउट ऑफ 5। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम प्राइस इसकी कंपेटेबल है, जो इसके कंपटीटर हैं जो मतलब बैठे हुए हैं टॉप्स पे, $18, 29, 159, बहुत ज़्यादा कम कीमत भी कम है इसकी। इसकी टोटल डिस्क्रिप्शन है, इसकी इन्फॉर्मेशन में आ गया, आपने देख लेना है कि जनाब इसका साइज़ क्या है, इसके एसिन ये हो गया, ये इसका जनाब आप एसिन भी अपने पास सेव करके रख सकते हैं कि कल के कहाँ आपको काम आ जाएगा, अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आना चाहें लिंक के थ्रू भी आ सकते हैं। ये इसकी रेटिंग्स हो गई, ये जी है, ये इसकी टोटल 4.25 हो गए, ये इसका BSR हो गया सब कैटेगरी के अंदर नंबर वन, और मेन कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 71। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कौन है, ट्रैकी है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास नीचे आए तो और भी आपके पास ये बहुत सारे ये GPS ट्रैकर लेके बैठे हुए हैं और सेल करने वाले। ठीक है, नीचे आएंगे आप थोड़ा सा इसको ये देख लेंगे, कस्टमर के आंसर के रिव्यूज़ आंसर भी दिए हुए हैं उसने। ठीक है, ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं, और जो सेलिंग वेज हैं, एक तो आप अपनी लिस्टिंग पर सेल कर रहे हैं या जो आपके साथ दूसरा कोई सेल कर रहा है, मतलब कि जैसे मैंने आपको लास्ट उसके अंदर दिखाया वो तो नहीं सेल कर रहा, तो वो चीज़ें भी नोट करने वाली होती हैं हमारी। तो भाई ये दो दो चार चीज़ें जो आपने नोट करनी है लिस्टिंग के अंदर,
और जो चीज़ का आपको लगे कि जनाब अगर हमारी दो तीन प्रोडक्ट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रोडक्ट जो है टॉप नंबर वन पे बैठा हुआ है, वो 20,000 रेटिंग के साथ है, जो नंबर टू पे बैठा हुआ है वो हमारे पास इसके आई मीन के वो बैठा हुआ है 8,000 पे, 6,000 पे, तो मतलब 20,000 और 8,000 के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। और 8,000 के बाद वो सीधा ही जनाब नीचे बैठा हुआ है 862 के ऊपर, 458 के ऊपर। अगर आप कोई अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए यहाँ पे अपनी स्पेस देखेंगे, आप टॉप फोर के अंदर आ सकते हैं या नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे जनाब, आप आएँ प्रोडक्ट के साथ उसको लॉन्च करें, स्पॉन्सर्ड ऐड चलाते हैं आप उसको थोड़े टाइम के लिए, जैसे आपको रिव्यूज़ मिलते मिलते आप ईज़िली 800 क्रॉस करके 900 और 1,000 2,000 4,000 क्रॉस करके आप ईज़िली आप टॉप 4-3 के अंदर आप आ सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि जनाब हमने कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे प्रोडक्ट फाइंड करने का, सिंपल सी मैंने आपको सिंपल डिफाइन किया है कि प्रोडक्ट जब चूज़ करने जाएंगे तो कौन सा पे आप इजीली आपको कौन कौन सी चीज़ें नोट करेंगे।